पंजाब की वैसे तो बहुत चीज फेमस है, पर जो दो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो मेनली जो दो चीज फेमस है, पहली चीज है मीठी मीठी सी लस्सी बड़े से ग्लास में, दूसरी है छोले कुलचे। सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का लंच हो या फिर डिनर ही क्यों ना हो जाए, छोले कुलचे एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी खा सकते हो। लेकिन सुन के अच्छा लगा, अभी भी खाओ मजा आ जाएगा। मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट है छोले कुलचे, मेरे पसंद है बहुत ज्यादा। मतलब कुछ ना मिला और अगर छोले कुलचे मिल जाए मजा ही आ जाए। ऐसे तो बहुत सारी छोले कुलचे की लाइन है, पर हम लोग ट्राई कर रहे, जो पहला खड़ा था हमने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोचा, फिर हमने सोचा कि जिस पे भी उंगली आती है वो ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के, इसका लकी नंबर आज निकल गया है, लकी नंबर इनका था, इसका अभी ट्राई कर ही देते हैं। तो चलिए बिना देरी के ट्राई करते छोले कुलचे। आपका नाम क्या भैया? देवीलाल। और आपका भैया? शिवा। आप दोनों ये संभालते हो स्टॉक? और अपने पास क्या क्या रहता है वैरायटी? छोले कुलचे, छोले कुलचे, छोले भटूरे। छोले भटूरे दो चीज रहती दो है, चीज़। तो एकदम दिल्ली स्टाइल का रहेगा, टेस्ट बढ़िया आएगा। वाओ ब्यूटीफुल, टेस्ट बढ़िया, टेस्ट बढ़िया। अब वो बताइए कि छोले में क्या क्या मसाले रहते हैं? छोले का मसाला आता है, ग्रेवी बनाता है, प्याज डोंगरी, प्याज और डोंगरी, लहसुन, आदू, हरदी का मसाला। और कितने साल से अपने ये लगा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से लगा रहे हैं। टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो? 8:30 से 7 बजे तक। सुबह के 8:30 से रात के 7 बजे तक, और 7 दिन ओपन रखते हैं। आप क्या ट्राई कराओगे हमें, कुलचे या भटूरे? जी आपको खाना वैसा है, एक काम करो, कुलचे अभी। हाँ। तो अभी कुलचे है तो हम ट्राई करेंगे कुलचे। आप अगर आ रहे हो यहाँ पे, भटूरे होंगे तो भटूरे भी मिल जाएंगे। हाँ। साथ में क्या दोगे? छाछ है? छाछ भी है। ठीक है, एक छाछ कर देना। चलिए अभी ट्राई करके बताओ तुम कैसे यहाँ के छोले कुलचे। बहुत ही बढ़िया से गर्मा गर्म छोले कुलचे, यहाँ पे छोले तो उनके रेडी रहते हैं जैसे मसालेदार रहते हैं, और टाइमिंग जैसे उन्होंने बताया सुबह के 8:30 से 7 बजे तक। एड्रेस बता दूँ तो एड्रेस है सेक्टर 11 अपोजिट रिलायंस, श्री जी छोले कुलचे है ना, रिलायंस की शॉप है ना सामने? नहीं एयरटेल की है। एयरटेल, सॉरी रिलायंस नहीं, एयरटेल है। और ये गर्मा गर्म कुलचे बन रहे, और इसके अंदर क्या गया था? जीरा, जीरा और बटर, अजवाइन, अजवाइन रहता है, अजवाइन और बटर रहता है। उसकी स्मेल आ रही है बहुत ही बढ़िया सी, अब वीडियो में तो स्मेल उसकी तो फील नहीं कर पाओगे, बट आप देख के शायद लग जाएगा कि अजवाइन का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा उसका स्मेल आ रहा है, और बटर में एकदम थोड़े करारे करना भैया। और ये मैं आपको स्टॉल दिखा देता हूँ, ये भैया है, तो भैया, भैया आपका नाम क्या था? शिवा भाई। और आपका भैया क्या नाम है? देवीलाल भाई नाम था। ये यहाँ पे रखते हैं, चलिए हमारे कुलचे रेडी, ठीक है प्लेट में दे दो, साथ में छाछ दे देना। ये यहाँ पे छोले कुलचे, छोले भटूरे, और उनकी साइड में ये स्ट्रीट की लाए काट हुई है, जहाँ पे समोसे मिलते हैं, कचौरी। एक काम करो भैया, आप एक ये भी कर दो ना हमारे लिए, दाल वड़ा, दाल वड़ा, दाल वड़े होएंगे कि नहीं होंगे? तो चलिए इनसे एक और चीज़ उनके ट्राई करते हैं, दाल वड़ा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी छाछ, अंदर क्या डाला? चाट मसाला। हाँ मसाला, चाट मसाला डाला, ठीक है। अभी इसको टेबल पे रख दो, दूसरी चीज है वो भी ट्राई कर लेते हैं, वो है दाल वड़ा, अहमदाबाद और गुजरात का फेमस दाल वड़ा। बाकी क्या क्या रखते हैं अपने भैया? कचौरी, समोसा, कचौरी रहता है, समोसा, समोसा और पॉप, दाबेली वड़ा, सैंडविच रखते हैं, सैंडविच भी रखते हैं, स्ट्रीट फूड पूरा रखते हैं, पर मेन अपना ये छोले कुलचे, छोले भटूरे, दाल वड़े, ये पहले से ही थोड़े बना के रखते हैं क्या? आप फ्राई रखते हो? चलिए करिए, एक प्लेट बना रहे हो ना? हाँ एक प्लेट, ठीक है। ये रहे दाल वड़ा, तो यहाँ आ गए हमारे दाल वड़े की प्लेट आ चुकी है, और ये रहे दाल वड़े, और ये रहे छोले कुलचे। चलिए थैंक यू भैया, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। ये आ गए हमारे छोले कुलचे और दाल वड़ा, बहुत ही बेहतरीन से लग रहे हैं, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं बिना देरी के। बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट है ये छोले कुलचों का और दाल वड़े का। तो हमको तो बहुत मजा आ गया यहाँ पे श्री जी छोले कुलचे पे, 50 रुपये इसकी प्लेट का प्राइस था छोले कुलचे का, और 30 रुपीज दाल वड़े की प्लेट का प्राइस था, छाछ 10 रुपये एक्स्ट्रा है। आपकी ओर से थम्स अप है ये जगह को? 10 रुपये में तो मस्त छाछ है, छाछ बहुत बढ़िया है, एकदम गर्मी की सीजन है, अहमदाबाद में गर्मी बहुत होती है, ये प्लेस को थम्स अप है।
मेरी ओर से और आपकी ओर से। हमारे सौराष्ट्र के साइड में ना क्या होता है पता है कि खाने के साथ अगर छाछ ना हो ना तो खाने का मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता, छाछ तो होनी ही चाहिए डाइजेस्ट के लिए, बहुत डाइजेस्ट के लिए बहुत बढ़िया रहती है। दोपहर की ओर से थम्स अप है के लिए। अरे मस्त है, थम्स अप दो बार। आप भी कभी यहाँ पे विजिट कर रहे हो गांधीनगर में सेक्टर 11 के पास से तो जरूर विजिट करना। उल्ला मत सेक्टर 11 में आया श्रीजी छोले कुलचे। कॉम्प्लेक्स कौन सा है सामने? सुमन टावर कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे सामने स्ट्रीट की पूरी लाइन लगी है, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कार्ट्स होगी, उसमें से एक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी श्रीजी छोले कुलचे करके। ऐसे अगले वीडियो में आपको ये जगह को और एक्सप्लोर करना हो आप कॉमेंट डाउन करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा और स्ट्रीट फूड है तो लोग कहेंगे तो दूसरा एपिसोड भी बनाएंगे यहाँ का। बना देंगे जैसे कमेंट्स आती है, जैसे लाइक्स आते हैं उस पर डिपेंड्स देखते हैं, हम बना देंगे। और हमें फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी फूड की रील्स और बहुत ही बेहतरीन से खाने का आपको एक एक्सपीरियंस देंगे, वर्चुअल एक्सपीरियंस। फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे रील्स पे दर्शन बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।